आकाश ने जो बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेटर है, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। मैं भी एग्री करूंगा आकाश के साथ। बाकी ये जो तीन भाई बैठे हुए ना, मुझे लगता है ये क्रिकेट खेलते हैं किताब के ऊपर, ऐसे खोलते हैं और जो नंबर आ रहे हैं उसका चक्का, विराट कर दे चौका, विराट कर दे, और उसके बाद वो खुद ही नाम रख देते हैं, इसने चक्का किया, उस पे भी इसने कल। लेकिन आप एक एक चीज पर और बात करनी है, वो है बाबर आजम की कैप्टेंसी की डिबेट बहुत चल रही है, चौका। और यहां पर वसीम भाई से भी मैं बात करना चाहूंगा। वसीम भाई, बाबर कप्तानी में कच्चे हैं, अच्छे कप्तान की लिस्ट में बच्चे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं। क्या आपको बाबर आजम की कप्तानी में कुछ मसले दिखाई देते हैं? देखें, बाबर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक टीम को लेके गया एज ए लीडर, एज ए कैप्टन। फिर हिस्ट्री में पहला पाकिस्तानी बना जिसने वर्ल्ड कप में इंडिया को, हमने जो मैच मारा उसमें कैप्टन बाबर था। जी मैं डिसएग्री करूंगा जो लोग दुनिया बातें कर रहे हैं जी कि इसकी कप्तानी जो है वो अच्छी नहीं है। हमारे बाबर के पीछे जो है तीन चेयरमैन चेंज हो गए, तीन स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज हो गए। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चांद थैकड़ आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। पाक भारत मैच शुरू होने में अब बस चांद लम्हात बाकी है। हर तरफ पाक भारत मैच पर तबसरे हो रहे हैं। शायकीने क्रिकेट को बेसब्री से इस मैच का इंतजार है। पाक भारत मैच पर बात करते हुए एक टीवी शो के दौरान इंडियन एंकर ने बाबर आजम की कप्तानी का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो सकलैन मुश्ताक ने उसे करारा जवाब दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपको इस चैनल पर इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो सबसे पहले मिलेगी। स्कोर बना दे, मेरी वैसे सूची में सिर्फ दो ही हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान से तो कोई नहीं। पाकिस्तान से मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी का नाम ले सकते हैं, हसन अली का नाम ले सकते हैं, और अशरफ नवाज नवाज जो आपको 100 नहीं करने देंगे। नहीं 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 100 खा लेंगे, 10 ओवर में, वो 10 ओवर में 100 खाएंगे। समर भाई, समर भाई, सेंचुरी सेंचुरी आपको इसमें मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। कुछ रन से ही उनकी, तो 150 भी कर सकते हैं भाई, 150 भी कर सकते हैं पोटेंशियल। हमने लेकिन आज की जो कोहली वाली बात है, कोहली फैक्टर डेफिनेटली है कि कोहली पे हम भी कहते हैं जी, क्योंकि उसने किया हुआ है, बार बार किया हुआ है। पाकिस्तान से अगर हम देखते हैं, रोहित शर्मा, के राहुल, अच्छा मजे की बात, शाहीन का खेल एकदम वापस आता है, दुनिया आकाश देखते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। आकाश ने रोहित शर्मा की बात की, वो सो कर सकते, फौरन उन्होंने शाहीन का नाम ले लिया। दूसरे हमारे भाई ने शाहीन भी है, तो वो शाहीन को खाएगा, आकाश को क्या, फौरन खाएंगे। रोहित शर्मा ने 100 एक्सपेक्ट ना करें, जो कि शाहीन खेल रहा है। नहीं, शाहीन खाएगा भाई, 100 रन खाएगा, सेंचुरी सेंचुरी होगी। यार समर भाई, यहां से जरा कुछ कह रहे हो, जरा सुनते नहीं हो, क्या मेकर का जरा पता कर लो जरा। या वैसे जरा भाई, यहां से सेंचुरी मेकर का पता कर लो जरा। सकी भाई, किसको आप सेंचुरी करता देख रहे हैं कल के मैच में? आकाश ने जो बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेटर है, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। मैं भी एग्री करूंगा आकाश के साथ। बाकी ये जो तीन भाई बैठे हुए ना, मुझे लगता है ये क्रिकेट खेलते हैं किताब के ऊपर, ऐसे खोलते हैं और जो नंबर चौका, और उसके बाद वो खुद ही नाम रख देते हैं, इसने चक्का किया, चौका। आउट ऑफ जीरो पे बाय द वे, सॉरी अगर बात बुरी लगी, क्योंकि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। यही तो माहौल है, सगले तो माहौल है। आप माशाल्लाह, फिटनेस, हमारी फिटनेस इसी इसी क्रिकेट के लायक है। डॉलर्स दे के शायरी करवा के आए हैं, तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ी सी फिल्म वादी चला दे रहे हैं। अरे समर भाई को पता है कि हम लोग जीरो पे आउट हुए थे बुक क्रिकेट में, क्योंकि ये भी साथ खेल रहे थे। मैं ही तो बॉलिंग कर रहा था। पर समर भाई, ये पाकिस्तान की मीडिया, समर भाई ये जो किताब वाली क्रिकेट है जिसमें स्कोरिंग करते हैं, उसमें आउट कैसे होता था बताओ जरा, कैसे आउट करते थे? सकलन भाई, हम तो देखो छक्के ही लगाते हैं हर चीज पे, मतलब हमें तो टीम इंडिया है, हमें तो ज्यादा रन मारने की आदत है, आउट होने की आदत ज्यादा है नहीं टीम इंडिया को। लेकिन एक एक चीज पर और बात करनी है, वो है बाबर आजम की कैप्टेंसी की डिबेट बहुत चल रही है, और यहां पर वसीम भाई से भी मैं बात करना चाहूंगा। वसीम भाई, बाबर कप्तानी में कच्चे हैं, अच्छे कप्तान की लिस्ट में बच्चे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं। क्या आपको बाबर आजम की कप्तानी में कुछ मसले दिखाई देते हैं? देखिए, ये आप भी कह रहे हैं, दो बंदे आपके साथ जो बैठे हैं वो भी यही कह रहे होंगे, आपका मकसद यही था, और लोग भी जो कह रहे हैं। आप तो पहचान गए। देखिए, कैप्टन कोई भी होता है ना, तो उसको टाइम तो लगता है। रोहित शर्मा पे भी बहुत ज्यादा डिबेट थी शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता उसने इंप्रूव किया। विराट कोहली का कैप्टन था, उसके ऊपर बड़ी डिबेट होती थी, उसके टैक्टिक्स के ऊपर। तो ये एक ऐसा, मैं कहूंगा कि एक प्रोफेशन है कि जिसके अंदर हमेशा बेहतरी की गुंजाइश तो होती है। डेफिनेटली हमने देखा शुरू में बाबर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, कि उसने डोमेस्टिक में भी इतनी ज्यादा कप्तानी नहीं की हुई थी, लेकिन डे बाय डे उसमें हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं।
और अभी भी मैं कह सकता हूं जी कि उसमें बहुत सी चीजें बेहतर होने वाली हैं और उम्मीद करते हैं जी कि इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई इस तरह के जो मैचेस होते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर आपको एक अच्छा मैच इस तरह का जीतते हैं तो आई थिंक वो आपकी कप्तानी की स्किल्स को भी ऊपर लेके जाता है, एक जो कैप्टन का रिलेशनशिप होता है प्लेयर्स के साथ, एक बिलीव एक दूसरे के ऊपर वो बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली इन चीजों पे बेहतरी की गुंजाइश तो है। देखें बाबर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक टीम को लेके गया एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, ये बहुत बड़ा बॉक्स टिक किया इसने। फिर हिस्ट्री में पहला पाकिस्तानी बना जिसने वर्ल्ड कप में इंडिया को, हमने जो मैच मारा उसमें कैप्टन बाबर था। आप ये सोच सकते हैं कि मैच से पहले, आकाश को पता है कि मैच से पहले कैसी प्रेपरेशन होती है, और कैप्टन का ड्रेसिंग रूम के अंदर बात करना, बॉलर को गेंद पकड़ाना, बॉलिंग चेंज करवाना, अंदर जो कम्युनिकेशन होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद फिर रिजल्ट का आपकी फेवर में आना। तो दो सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल हम लोग अनफॉर्चुनेटली हारे, उसमें हमारी फील्डिंग थोड़ी सी ऐसी थी, बट टैक्टिक सारे बिल्कुल अच्छे थे और प्लेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से उसने यूज़ भी किया, बॉलर्स को खास तौर पे बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट किया उसने एज ए लीडर। तो एक सेमीफाइनल, एक फाइनल और एक एशिया कप का फाइनल, ये बड़े मेगा इवेंट्स थे इंडिया के खिलाफ मैच के लिए, तो उसने बहुत सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। मैं डिसएग्री करूँगा जो लोग दुनिया बातें कर रहे हैं जी कि इसकी कप्तानी जो है वो अच्छी नहीं है। हर बंदा सीखता है, एवरी डे इज अ न्यू डे, आप हर रोज आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, और चीजें जो है ना चॉप एंड चेंज करनी होती है, आप प्रोएक्टिव होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लंट हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, रोहित शर्मा का प्लस पॉइंट ये है कि जो पीछे जो उसके साथ थिंक टैंक है वो बड़े अरसे से साथ में चल रहा है और उसमें चॉप एंड चेंज पीछे से नहीं हो रही है। राहुल द्रविड़ 3-4 सालों से है और स्पोर्ट्स स्टाफ 4-4 सालों के साथ चलता है, बोर्ड जो है वो भी सारा पूरा सपोर्ट करता है। हमारे बाबर के पीछे जो है 3 चेयरमैन चेंज हो गए, 3 स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज हो गए, और फिर हर बंदा अपनी फिलॉसफी लेके आता है, और इसकी वजह से बाबर जो है वो जनाब वो छुरी के नीचे बाबर को ले आते हैं, हम कह जी बाबर का ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सबको अलाइन होना पड़ता है, सेम पेज पर आना पड़ता है। फिर भी उसके बावजूद बाबर ने जो रिजल्ट्स दिए, सेमीफाइनल में पहुँचे, फाइनल में पहुंचे, फिर फाइनल में पहुंचे एशिया कप के, तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम, बट अगेन देयर आर रूम्स टू इंप्रूव। पाकिस्तान को ओडीआई की नंबर 1 टीम भी बनाया, और दूसरा ये मसाइल को विराट के साथ भी थे जब वो कैप्टन थे, और दूसरा रोहित शर्मा का भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो कैप्टन है इंडियन टीम के, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में, पिछले मैच को छोड़ के मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में वो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।